स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पार्टी खत्म हो चुकी है, तुम जा सकते हो। तुमसे बात करनी है। मुझे नहीं करनी। निशा, निशा तुमसे बात किए बिना नहीं जाऊंगा। जो कहना है वो जल्दी कहो, लेकिन दूर से। कम ऑन यार निशा, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। और मैंने ऐसा किया ही क्या जो तुम इतनी नाराज हो मुझसे? सब खुश थे ना, सुक्कू सारी फैमिली। तुम्हें बुरा लगा तो मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं। तुम मुझसे बात भी तो नहीं कर रही हो। वो मेरी चॉइस है। प्लीज यार निशा, पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ यार, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। स्टार्टेड लविंग यू, और शादी के बाद भी तुम्हें खुश रखूंगा। जैसे जीना है जियो, जो करना है करो, मेरी तरफ से तुम्हें फुल परमिशन होगी। तो तुम मुझे परमिशन दोगे? सॉरी सर, लेकिन ना ही मुझे तुम्हें इंटरेस्ट है और ना ही शादी में। हटो। निशा, मुझे समझने की कोशिश तो करो। निशा, मुझे बात करने का एक चांस तो दो। दो मिनट मेरे साथ बैठ जाओ, सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। मैंने तुम्हारी और सुमित जीजू की सारी बातें सुनी थी। It was just a boy thing, निशा, वो बोले जा रहा था तो मैंने बस रिप्लाई कर दिया। सॉरी, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था निशा। प्लीज 2 मिनट मेरे साथ बैठ जाओ और सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम मुझे सचमुच ऐसा समझते हो? निशा प्लीज, प्लीज निशा 2 मिनट आ जाओ। जानता हूँ कि प्यार ऐसे ही नहीं हो जाता, टाइम लगता है। मुझे शायद जल्दी हो गया, बट तुम्हें अपना टाइम चाहिए। आई एम रेडी टू वेट। आई मीन, प्यार तो तभी हो सकता है ना जब एक लड़का और लड़की मिले, बात करे आपस में, एक दूसरे को समझे, जाने। तभी ऑल दिस इज पॉसिबल। Love is a journey, और ये journey मैं तुम्हारे साथ लेना चाहता हूँ। निशा, I genuinely love you, निशा। निशा, I'm sorry यार, please। ए, क्या कर रहा है बेटू साले? निशू ठीक है ना? निशा, please। हाथ मत लगा उसको, दूर रहे। निशू तू ठीक है ना? समझाने की कोशिश कर रहा था। निशा, मैं तो सिर्फ क्या कर रहा था तू? हाँ? क्या कर रहा था तू? तुझे क्या लगता है मैंने देखा नहीं सब कुछ? मैंने देख भी लिया तो क्या? ये मेरे और निशा का आपस का मामला है। सौरभ, ये मत समझना कि मैं कॉलर नहीं पकड़ सकता। तो आज देख लेते हैं, मैं भी यही हूं और तू भी यही है, समझा? सौरभ छोड़ उसे, सौरभ छोड़। ईशा, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? नितेश तुम जाओ। ईशा, मैंने कहा ना, I'm sorry। उसने बोला ना उसे तुझसे कोई बात नहीं करनी, चल निकल जाए यहां से। ईशा प्लीज जा।
है ना? रितेश को पकड़ के आज मारता मैं अच्छी तरह, अगर तू रोकती नहीं। पानी लाऊं तेरे लिए? तुझे तेरे रूम तक लेके चलता हूं, चल। खुद चलेंगे। रात को 1 बजे तुझे याद आया कि कल टेस्ट है, खाक पढ़ाई होने वाली है अब। मम्मी, ये टेस्ट पे मैं पक्का फेल हो जाऊंगा। फेल होगा ना, तभी अकल ठिकाने आएगी। चल जल्दी कर, बुक्स अंदर रख और सो जा, नहीं तो कल और एक बहाना मिल जाएगा। सो जा चुपचाप। निशु ब्रो, क्या हुआ? किसी को कुछ मत बताना, वरना खामखा प्रॉब्लम हो जाएगी। निशु, लेकिन तू, मैंने कहा ना सौरभ, कुछ नहीं हुआ है। चल। निशु ब्रो, क्या हुआ? आप बिल्कुल डेड लग रहे हो, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ ज्वालू, बस बहुत थक गए। तू जा, जाकर सो जा, कल तेरी एग्जाम है ना। हाँ, मैं लक्ष्मी चाची के रूम में सोने ही जा रही थी। क्यों, कीर्ति ने तुझे जगह नहीं दी सोने का? वो तो मैं उसे लड़के भी जगह ले लूं, पर मैं लेट तक पढ़ाई करती हूँ ना, तो चाची के रूम में शांति होती है। सी यू, बाय। निशु, क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आंटी वो माँ, मैं वो थोड़ा थक गई थी ना, तो चक्कर आ गया। निशु बेटा, सच सच बता, क्या हुआ है? हाँ बता। माँ, वो पैक करते वक्त रितेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मैं बहुत घबरा गई और मुझे थोड़े से चक्कर आ गए। आंटी, मैं भी निकलता हूँ, वरना मेरी मम्मी ढूंढते हुए यहीं तक आ जाएंगी। थैंक यू। मास्टरनी जी सारे बच्चों का ख्याल रखती हैं, मास्टरनी जी का ख्याल मैं रखूंगा। चाय? क्या बात, स्विट्जरलैंड में पिएंगे। चलो मेरे स्कूटर बैठो, चलते हैं स्विट्जरलैंड। एक मिनट मैडम, जरा कस के पकड़िए, मैं स्कूटर बहुत तेज चलाता हूँ। ओके चलें। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यही कहेगा कि लक्ष्मी और रमेश के घर में बच्चे बड़े हों या ना हों, बड़े बच्चे जरूर होते जा रहे हैं। चाय इन स्विट्जरलैंड। क्या बात है, आज तो बालकनी भी फुली नहीं समा रही होगी। रमेश के हाथ में ड्रिंक का ग्लास नहीं, चाय का कप। जानती हो, ये पंछी सुबह सुबह इतनी आवाज क्यों करते हैं?
ये गा गा कर सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि रात बीत गई और एक खूबसूरत सुबह आई है, और इस खूबसूरत सुबह को देखने के लिए हम अभी भी जिंदा हैं, और उस जिंदगी को सेलिब्रेट करने के लिए वो चू चू करके गा गा के अपने साथी को अपने पास बुलाते हैं। मेरे पास आओ, मैं यहाँ हूँ। रमेश, निशु की किस्मत में ये गाना नहीं है क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो भाई? पता नहीं, मैं निशु को लेके बहुत टेंशन में हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम हंसी मजाक में हर बात को टाल के कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? मास्टरनी जी, इतना सीरियस मत होइए, बोर्ड का एग्जाम नहीं है। रमेश, तुम खुद ही देखो ना, निशु कभी भी अपनी परेशानी की बात किसी से शेयर नहीं करती, खुल के नहीं बताती, हमेशा अपने आप को स्ट्रांग दिखाती है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे वो कमजोर दिख सकती है, वहां से दूर भागती है। तू तो डरा रही है भाई। मैं खुद डर रही हूँ। लहंगा, चूड़ियां, 13 साल तक वो सारी चीजें उसको अच्छी लगती थी जो हर लड़की को अच्छी लगती है। पता नहीं उसके बाद अचानक एकदम बदल गई, और आज कोई लड़का उसका हाथ पकड़े तो उसे इतना गुस्सा आता है कि किसने पकड़ा उसका हाथ? जरूर उस रितेश ने पकड़ा होगा। मैं उसको ना रमेश, शांति शांति रखो। हम रितेश की बात नहीं कर रहे हैं, निशु की बात कर रहे हैं, और इस उम्र में लड़के लड़कियों में ऐसी बातें हो जाती है। अपने दिन भूल गए कैसे मेरे पीछे पीछे भागते रहते थे? मैं भागता था? हाँ, मैडम जी, आप मेरे पीछे भागती थी। वही तो कह रही हूँ रमेश, वो उम्र ही कुछ ऐसी होती है। पर निशा, उसके जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसने उसे बिल्कुल ही बदल दिया? लक्ष्मी जी, आप दुनिया की पहली माँ हैं जिसे इस बात की चिंता है कि उसकी बेटी लड़कों से मिलती नहीं। रमेश, आई एम सीरियस। हेलो, मैं सीरियस, आई एम रमेश, नाइस टू मीट यू। या निशा अभी छोटी है, औरों से अलग है, शायद और बच्चों से थोड़ा ज्यादा शर्माती है, बस उसे सिर्फ वक्त की जरूरत है। बिल्कुल उस छोटे से पंछी की तरह, देखा? हाँ। देखना, जिस दिन निशा को उसका सच्चा साथी मिलेगा ना, उसकी जिंदगी का छिपा हुआ सुरीला राग अपने आप छिड़ जाएगा और सारी दुनिया को सुनाई देगा। कैसे? मुझे प्यार हुआ, प्यार हुआ, प्यार हो गया, मुझे प्यार प्यार हो गया। आप जा रही हैं तो प्लीज मेरे लिए थोड़ी और चाय ले आइए। जरूर। और सुनिए, आज का अखबार भी ले आइएगा और आके मेरे पैर भी दबा दीजिएगा। और कुछ? आज के लिए काफी है। हेलो डॉली दी, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ डॉली दी, लेकिन आप इतना परेशान क्यों? मुझे तेरी बहुत टेंशन हो रही है निशु, तू प्लीज मुझे बता कल रात को क्या हुआ था। बात क्या है दी? कल मैंने सुमित और रितेश को फोन पर बात करते हुए सुना था, और उन दोनों के बीच में शर्त लगी थी कि रितेश तुझे किस करके दिखाएगा। जानती हूँ, मैंने भी उसे फोन पर बात करते हुए सुना था। वो साला रितेश, अपने आप को समझता क्या है वो? निशु तू ठीक तो है ना? कहीं उसने तेरे साथ कल उसने मेरे करीब आने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे जोर से धक्का मार दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तूने। मैं ना टोटली तेरे साथ हूँ। उस जैसे इंसान के साथ ना तो ऐसे ही होना चाहिए। और सुमित से भी मैं इस बारे में बात करूंगी, कम से कम उसे तो इस मैटर में
थोड़ी तो मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी ना। डॉली दी रिलैक्स, आप कुछ नहीं करोगे। मेरी वजह से सुमित जी से बात करने की कोई जरूरत नहीं, और आप हनीमून पर हो प्लीज यहाँ की प्रॉब्लम भूल जाओ, और मेरी टेंशन बिल्कुल मत करो, मैं ठीक हूँ। पर निशु, डॉली दी, मैंने कहा ना ये सिचुएशन मैं खुद हैंडल कर लूंगी। पर कैसे निशु, तुझे पता है ना मैं तेरे साथ हूँ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना या तुझे किसी भी हेल्प की जरूरत हो ना तो तू पहले मुझे बताएगी। ऑफ कोर्स डॉली दी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, रितेश जो बचकानी हरकतें कर रहा है ना उसका जवाब मुझे देना आता है, जो मैं देकर रहूँ। अच्छा निशु, मैं रखती हूँ, हाँ अपना ख्याल रखना। अरे बंटी बेटा जल्दी जा, तेरी स्कूल की बस छूट जाएगी, जल्दी कर। पापा ये एग्जाम्स क्यों होते हैं, मुझे स्कूल नहीं जाना। लक्ष्मी देख तेरा बेटा क्या कह रहा है। ये खाते जा, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। अरे बंटी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग, घर कैसा है? ठीक है। देखो भाई लास्टर अभी अभी निकला है तो दो चार दिन जरा ज्यादा उछल कूद मत करियो, ठीक है? चाय? एक ही कप है, आप ही पी लो। दो हो गए। थैंक यू। अब बता भाई बात क्या है? कुछ भी नहीं, मेरे हैप्पी वाले सॉन्ग का सुर ढीला हो और मुझे पता ना चले। देख भाई जल्दी बता, जब तक तू नहीं बताएगी मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा, और दुकान पे नहीं गया तो तू जानती है बाबूजी मेरी क्या आफत कर सकते हैं, और उस सारी आफत की जिम्मेदार तू होगी। बताती है या नहीं? मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ। आप मुझे ये बताओ कि एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग क्या हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ हो कि कोई लड़का शर्म के मारे पानी पानी हो जाए। वो तो डिपेंड करता है लड़का है कौन। हेलो निशु, यार कहाँ है तू, जल्दी नीचे आ। अच्छा सुन, दादाजी अभी तक दुकान के लिए निकले नहीं है, तो हम अभी उनके आगे जाके ना रितेश का सारा कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। सौरभ तू कुछ नहीं करेगा, मैं अभी नीचे आ रही हूँ। अच्छा हाँ यार तू जल्दी आ, चले। अच्छा एक बात बता, तू बोलेगी या मैं बोलूँ? कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, तू पागल हो गया क्या? क्या मतलब, तूने अपने कजन को अभी तक ये नहीं बताया रितेश ने क्या किया? हद है यार, तू कितनी बदल गई है। देख सौरभ, तू ना मेरा दिमाग मत खराब कर और चुपचाप मेरी बात सुन। क्यों सुनूं? और कहाँ गई वो निशु जो एक बार हाथ लगाने पे लड़कों को उनकी नानी याद दिला देती थी? अबे ओए लाउड स्पीकर, तू का इलेक्शन लड़ना है हाँ? और अगर तुझे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना ही है तो एटलीस्ट थोड़ा धीरे बोल। तू कहाँ गई वो निशु? जो निशा तेरे सामने खड़ी है, जरा अपने दिमाग की खिड़की खोलेगा, दादाजी को बोल के कोई फायदा नहीं है, उनके लिए तो रितेश एक गुड बॉय है। और उमेश और कीर्ति का क्या, जो कल उसको इतना दोस्त बनाकर घूम रहे थे, उन्हें तो पता चलना चाहिए ना उसके बारे में। देख सौर, रितेश एक बहुत ही स्मार्ट लड़का है, उसके साथ हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, और अगर मैंने दादाजी को ऐसे ही कुछ भी बोल दिया तो मेरा विश्वास ही नहीं करेंगे। तो फिर क्या करें? एक सॉलिड प्लानिंग है, पापा ने मुझे एक आइडिया दिया है। ओ तेरी, तुझे तो बोल टच करूं मैं, फिर तू टपल धमाल होने वाला है, क्योंकि एक प्लान मैं भी लाया हूं। ये मंडलियां खड़े खड़े क्या खिचड़ी पका रही है? जो कुछ पकाना है यहाँ आओ और मेरे सामने पकाओ। ये दोनों दादाजी से कल रात वाली बात तो नहीं कर रहे? रितेश बेटा तू तो गया। क्या बात सौरभ, आज नमस्ते नहीं करोगे? नहीं दादाजी, नमस्ते।
ये बैग में हाथ क्यों डाल रखा, क्या है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।